Hey, hello, good morning everyone. Welcome back to the channel. आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में. और आज का जो मौसम था बहुत ही प्यारा था. जो लोग पुणे में रहते हैं उनको पता है कि आज पुणे में पूरा फॉग ही फॉग था. तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि विंटर इज़ हियर. एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर शोइंग सो मच लव ऑन माई प्रीवियस वीडियोज़, स्पेशली ऑन माई ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो. आज का व्लॉग जो है काफ़ी लेट स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी स्टार्ट हो रहा है. इट्स 11 AM और बट हमारी सुबह बहुत जल्दी हो गई थी. मैं वर्कआउट करके आ गया, पुश वर्कआउट था आज और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे रिकॉर्ड. अभी कुछ ऐसा है कि हमारे पास कुछ पार्सल आए हुए हैं, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ कि क्या है. सो लेट्स गो. तो हमारे पास ये कुछ दो पार्सल है. पहले इससे स्टार्ट करते हैं, ये कुछ नया है. तो ये मसल बेस से हमने एक और पार्सल मंगाया है, अगेन एक नया प्रोटीन का डब्बा. तो ये शायद से इनका एक नया वेंचर है, फ्यूल वन वे प्रोटीन इम्यूनिटी प्लस मैंगो फ्लेवर. तो अगेन इसको भी ट्राई करेंगे. और आपको तो पता है अपने को मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है फ्लेवर, तो ये आई होप वैसा ही टेस्ट हो जैसा बायो एंजाइम्स का है. अब जो मेन पार्सल है हमारा, जिससे आज हमारा फाइनली व्लॉगिंग सेटअप सॉर्ट ऑफ कंप्लीट हो जाएगा, और जो कि मैंने अमेज़ॉन से अभी ग्रेट इंडियन डील चल रही थी तो मंगाया मैंने. तो दिखाता हूँ कि इसमें क्या है. तो इसमें तीन चीज़ें हैं मेन. पहला है ये लाइट मोड, जो कि हमको बहुत ज़रूरी था अंधेरे में. वैसे भी GoPro इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता लो लाइट में, बट ये लाइट के साथ में हम लोग ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे. दूसरा है ये GoPro 9 का मीडिया मोड ना, और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. इसमें माइक इनबिल्ड है तो हमको बेटर ऑडियो मिलेगा. तो ये एक चीज़ है, और ये मीडियम मोड के ऊपर लाइट लगेगी. और जो तीसरी चीज़ है वो है ये 5 TB की हार्ड डिस्क. तो अब जैसे कि GoPro 10 पे हम लोग शूट कर रहे हैं 4K में, तो फाइल साइज ज़्यादा हो जाता है. तो हमको ये ज़रूरी थी क्योंकि स्टोरेज नहीं है भाई के पास. अभी इनको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं, लेट्स सी कि सही चीज़ है या नहीं इसमें. तो पहले हार्ड डिस्क के साथ स्टार्ट करेंगे. वाह, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट. और इसके साथ ये इसका कनेक्टर, दिस इज़ गुड. मेरे पास इसका ऑलरेडी एक कवर है तो फिर मैंने इसीलिए कवर नहीं मंगाया. अब ज़रा इसको खोल लेते हैं. ये है लाइट मोड. बहुत सारे कागज़ पत्र जो हमको नहीं चाहिए, और ये है जो हमको चाहिए. तो ये है छोटी सी लाइट, और ये है उसका अपना मोड जो कि ये यहाँ पे सीधा लग जाएगा. ये लगने के बाद ये है डिफ्यूज़र. भाई डिफ्यूज़र के साथ में आया है GoPro का लाइट मोड. यहाँ पे छोटी सी बैटरी है आई गेस. ओके, यहीं से सी टाइप से चार्ज हो जाएगा. ये आई थिंक लाइट है या इसमें बैटरी, ओ हो है इसमें. इसको हम लोग टेस्ट करेंगे बाद में. अभी फ़िलहाल मैं GoPro पे शूट कर रहा हूँ, मैं उस पर लगा नहीं सकता हूँ. बट जब मैं दूसरे कैमरा पे शूट करूँगा तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें. हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो में टेस्ट करेंगे. ये ऐसा डिफ्यूज़र लग जाएगा इस पर. आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस. नेक्स्ट है अपना मीडिया मोड. इसी पर अपना लाइट मोड लगेगा. तो इसको भी फटाफट से कर लेते हैं अनबॉक्स. वाह, तो इसमें अगेन एक थम स्क्रू आया है, और ये है मेन चीज़. तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि मीडिया मोड है ये, और GoPro 10 और 9 के लिए कंपैटिबल है. तो इसके अंदर सीधा यहाँ पे USB कनेक्टर है जो कि सीधा GoPro 10 में लग जाएगा, जो कि यहाँ पर सीधा इनबिल्ड माइक है उसके लिए. और ये उसके ऊपर हम लोग नॉइज़ कैंसलेशन का ये कैप लगा देंगे इस तरह से. तो हमको आई गेस अच्छी खासी क्वालिटी मिलेगी ऑडियो की. तो अभी मैं ये लगा के दिखा नहीं सकता क्योंकि हम लोग ऑलरेडी शूट कर रहे हैं. तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको रखते हैं साइड में और हम लोग स्विच करते हैं लोकेशन. 1 2 3 बूम. तो आगे हूँ मैं तिकड़ी स्टूडियो. अपने पास पुराना वाला GoPro है, और ये है मीडिया मोड. यहाँ पे है अपना लाइट मोड विथ डिफ्यूज़र. तो अभी फटाफट से इस GoPro पे लगाते हैं और मैं दिखाता हूँ कि कैसा होता है. और ये लास्ट वीक मैंने एक सिलिकॉन कवर लिया था, काफ़ी सही है. इसको लगाने से पहले जो हमारा बैटरी का
कवर है उसको हमको निकालना पड़ेगा यार। ये लगाने के बाद अभी मैंने एक नोटिस किया, मैं पहले भी ट्राई किया तो मैंने नोटिस किया कि जब तुम डालते हो तो इसके ऊपर जो स्क्रीन गार्ड है तो वो पुश करता है बाहर की तरफ और बबल आ जाते हैं यहाँ पे, वो एक थोड़ा सा इशू है अगर, क्योंकि मीडियम और पूरा स्क्रीन कवर कर रहा है, तो आई गेस मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा या फिर मैं शायद चेंज करूँगा इसको। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं लगा देता हूँ और ये हो गया फिट। अपना लाइट मोड इस पे ऊपर ऐसे फिट कर देते हैं अपने छोटे से ट्राइपॉड पे। तो ऐसा कुछ सेटअप हो गया अपना फाइनल व्लॉगिंग सेटअप, GoPro 10 with medium mode and light mode. अब इसको रियल वर्ल्ड में ट्राई करेंगे अपन। तो ये नेचुरल लाइट है विथ मीडियम मोड और अभी देखते हैं कि कितना अच्छे से काम कर रहा है माइक। अभी चलते हैं स्टूडियो रूम के अंदर जो कि पूरा अंधेरा है, जिसमें यहाँ पर ट्राई करेंगे हम लोग लाइट मोड को। यहाँ पे पूरा अंधेरा है और ये है लो इंटेंसिटी पे, अभी इसको थोड़ा मीडियम इंटेंसिटी पे डालते हैं, ऐसा कुछ काफ़ी अच्छा। और ये हाई इंटेंसिटी, फ्रीक बहुत ही ज़्यादा है, इसको चेंज कर देते हैं। आई थिंक मीडियम ठीक है, मीडियम पे शूट कर सकते हैं रात में और मेरा खुद का और बाकी का सारा व्यू दिखा सकता हूँ मैं इससे, दिस इज़ गुड। तो अभी चलते हैं बाहर। तो लाइट मोड बहुत अच्छे से काम कर रही है और मैंने बस एक पिछला रिकॉर्डेड वीडियो देखा जिसमें वॉइस भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है, तो गेट सक्सेस। और इसका एक्चुअल टेस्ट आज इवनिंग में होगा। आज इवनिंग का प्लान कुछ ऐसा है कि आज पूरी गैंग हम लोग सब लोग स्ले सिटी पुणे क्लब में जाने वाले हैं जहाँ पे पूरा स्ट्रीट बीट स्क्रू परफॉर्म करने वाला है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो स्टे ट्यून और अब मैं सीधा वहीं पे मिलूंगा। मेरे खाली अंदर शीट पे मैं देखता तो ये देते मुझको गाली, घर की मेरे जिम्मेदारी है संभाली, मेरे पाली फैमिली इनके गलत से भी आए पाली, मैं रहता भी नहीं इसलिए जीता नहीं साइबर में, न ढके रात कोई दिखते मुझको साइबर में, तो लेती शॉट मुझ पे रहता हूँ फिर स्नाइप करके, जब ये टाइम पर मैं तब से करता साइबर में, बात स्ट्रीट की ना देती घर पे रोती, तू दिल करता साइबर में जब माँ है तेरे घर पे रोती, सुधार साइबर में है घर पे तू है दोषी, दीदी ये पापी इसमें बेड़ा नहीं नो जी मैं वो जी जो देता नहीं को कोचिंग, ये काफी कोशिश और कहते नो जी तू रे के लोग की लता लोग की मैं कहता नो बीच में ना हूँ शोक लगा तो सौ सिंह पर लिखने पे बसती है नो तू ये स्ट्रीट का सीन मेरी गैंग करती रूल 2011 से ही कर रैप मेरा क्रू नहीं जाना तो ये भूल जाना रैप था ये कूल रॉक बीट हॉट फेक कहते थे तुम्हें स्कूल से पढ़ी नहीं है सीन में रिस्पेक्ट मेरे क्रू की जगह पूरा सीन इसमें जान हमने फूक ये साल बने सीन में जरूरत ही नहीं सूखी तू डर से का तो तेरा फिर खाएगा कैसा था भाइयों आज का गिग? ये फुल पावर था, बहुत ही पावर था आज का गिग किया परफॉर्म और पार्ट डाला, मतलब अगर जो लोग ने सामने लाइव विटनेस किया वो जानते हैं सब, वो लोग अभी डीकोड कर रहे हैं सारे बार्स, करते रहो सब लोग, एक दो दिन तक हैंग रहेंगे उन लोग, क्या चल रहा है। अनरिलीज सारे ट्रैक हम लोग ने परफॉर्म कर दिया है, जिन्होंने भी वीडियो पे निकाला है भाई डालना मिलना है तो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल दो भाई कितना ही डालेंगे भाई, ये सब और गाने वाला देंगे। तो भाइयों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट डाउन ऑन द वीडियो करते रहो और प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन, तो जब भी हम लोग नया वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे फोकस।